वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है आफ्टरनून से, क्योंकि आज थोड़ा सा थके हुए थे और इनकी भी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसीलिए हम लोग लेट निकले हैं। हमने अभी अमायरा को पिक किया है और अमायरा के लिए है सरप्राइज, क्योंकि आज अमायरा को हम ले जा रहे हैं उसकी फेवरेट जगह, जहाँ वो बहुत दिनों से जिद कर रही थी कि मम्मी पापा मुझे ले चलो, मुझे ले चलो। तो हमने सोचा आज उसको सरप्राइज दे देते हैं, उसको ले जाते हैं, घुमा लाते हैं, और उसके लिए एक सरप्राइज और है। तो वैसे तो वो सरप्राइज नहीं है क्योंकि वो हमारा ने खुद ही खरीदा है, तो वो सरप्राइज नहीं है। और बस हम पहुंचने वाले हैं और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, आप बने रहिए। और जो लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं, प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, और आप लोग हमारे साथ बने रहिए। तो हमारा आज आप कुछ कहना चाहती हैं? बुखार है तो आप गाइस बने रहिए और मिलते हैं हम आपसे थोड़ी देर में। तो गाइस आज फाइनली अमायरा को बिना बताए हम ले जा रहे हैं उसको उस डेस्टिनेशन पे, वहाँ पर जहाँ वो बहुत दिनों से जाना चाहती थी। जब से उसके डैडी आए हैं वो तभी से पापा को पीछे लगी है कि पापा मुझे घुमा के लाओ, मुझे घुमा के लाओ। तो जो लोग यहाँ आए हैं उन्हें पता लग गया होगा कि हम कौन से रास्ते पे हैं और कहाँ पर जा रहे हैं। जो लोग नहीं आए हैं उनको अभी पता लग जाएगा जब हम एंट्री करेंगे। तो यहाँ ऑलमोस्ट हम लोग पहुँच चुके हैं और अब हम लोग कर रहे हैं उस तरफ एंट्री। अभी ये एंट्री मेन एंट्री नहीं है, अभी ये सिर्फ उसकी तरफ जाने वाला रास्ता है। और इस गेट को देख के कुछ लोगों को पता लग ही गया होगा जो हमारे नियर बाय के हैं कि ये कहाँ का है। तो मैं बता देती हूँ कि हम फाइनली पहुँच गए हैं अमायरा के फेवरेट प्लेस एडवेंचर आइलैंड पे, जो उसको बहुत पसंद है। क्योंकि जब भी उसके डैडी आते हैं यहाँ पे, मतलब पूरे महीने में, एक महीने में, डेढ़ महीने में यहाँ पे अमायरा आती रहती है अक्सर। उसको बहुत पसंद है क्योंकि यहाँ उसके फेवरेट सारी एक्टिविटी हैं जो वो करना चाहती है। और ये व्यू मुझे बहुत पसंद आया, मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने इसको स्लो स्लो शूट किया कि यार ये ट्रीज़ कितने अच्छे लग रहे हैं और ये व्यू कितना अच्छा है। क्योंकि आफ्टरनून का टाइम था तो ऑब्वियसली लाइट अच्छी होती है, सनलाइट में बहुत अच्छी वीडियोग्राफी फोटोग्राफी होती है। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं एडवेंचर आइलैंड में। अब हम जाते हैं, गाड़ी को करते हैं पार्क, देखते हैं कहाँ पार्किंग मिलती है। और गाइज ये देखो, ये व्यू भी कितना अच्छा है। तो गाड़ी को पार्क करने के लिए हम चल पड़े हैं और अपनी गाड़ी को लगा, फाइनली गाड़ी कर दी थी हमने पार्क। फिर मैंने सोचा अमायरा के पापा की और उसके को शूट कर लेती हूँ। तो यहाँ मैं उनको हाई करने के लिए बोल रही थी, अमायरा कह रही है पापा मुझे फीवर तो नहीं है। फिर अमायरा मेरे साथ आ गई और मैं अमायरा को लेके जा रही हूँ। ये थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड चलाया है वीडियो, क्योंकि थोड़ा ड्यूरेशन कम हो जाए वीडियो की, इसीलिए मैंने इसको फास्ट फॉरवर्ड चलाया है। अब वो फिर से अपने पापा के साथ रुक गई है और मैं आ गई हूँ एडवेंचर आइलैंड के मेन गेट की तरफ। और यहाँ पे बहुत सारी राइड्स हैं जहाँ अमायरा देखेगी तो बोलेगी मम्मी मुझे ये भी राइड्स लेनी है और ये भी राइड्स लेनी है। अब वो मुझे बोल रही है कि उसको ट्रेन वाला राइड्स लेना है, लेकिन क्या है मैं ही सोचती हूँ कि यार कहीं उसको चक्कर ना आ जाए, इसलिए मैं उसको वो राइड लेने नहीं देती हूँ। बट उसके डैडी ने बोला कि ये बाहर नहीं अंदर भी है एक ट्रेन वाली राइड, तो मैं अंदर से राइड करवाऊँगा। तो यहाँ हमने एंट्री कर ली है और ये देखिए गाइस दिन में कितना खूबसूरत लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। ये है यहाँ का इन्फॉर्मेशन। और यहाँ पे डेकथलॉन आपको पता ही होगा, हम अक्सर जाते रहते हैं डेकथलॉन में। तो हमने सोचा पहले प्लान किया कि बर्गर किंग चलते हैं, लेकिन बर्गर किंग हम लोग नहीं गए क्योंकि हमें करना था केक कट। बट फाइनली अमायरा ने बोला कि बर्गर किंग नहीं जाएंगे, तो वो फंडूस की तरफ गई और उसने बोला कि मम्मी मुझे गेम्स खेलने हैं। तो यहाँ अमायरा निंजा गेम प्ले कर रही है। आफ्टरनून थी इसलिए स्क्रीन पे दिख नहीं रहा था, लेकिन वो यहाँ पे निंजा गेम प्ले कर रही है जो उसको बहुत पसंद है। और वो जब भी आती है वो सबसे पहले यही गेम प्ले करती है, तो इसलिए उसको अच्छा लगता है, तो हम भी उसको मना नहीं करते। तो ये वीडियो भी फास्ट फॉरवर्ड की ताकि अच्छा लगे और थोड़ी ड्यूरेशन भी कम हो जाए, क्योंकि 20 मिनट का अगर ब्लॉग हो जाता है तो लोग स्किप कर देते हैं, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया। यहाँ उसके डैडी भी खड़े हैं और यहाँ अमायरा इंजॉय कर रही है अपने गेम को। फिर हम फाइनली चले हैं बर्गर किंग में, गेम एंड होने वाला है, फिर हम मिलेंगे आपसे बर्गर किंग के अंदर। ऐसे नहीं बोलते ना? अच्छा नहीं लगता। देख लो क्या कह रही है। तो यहाँ अमायरा बोल रही है कि उसको ये केक पसंद नहीं है, जबकि ये केक उसने खुद अपनी पसंद से लिया है।
उसको चाहिए था हर्ट शेप का केक, तो हमने उसको वनीला ऑफर किया था, बट उसने बोला कि नहीं मामा मुझे हर्ट शेप का केक चाहिए। और अब यहाँ जब हमने इसको ओपन किया तो हमारे बोले कि मामा मुझे ये केक पसंद नहीं है, और वो पहले उसने एक हर्ट उसमें से निकाल के खा लिया है। अब अमायरा कट करेगी, अमायरा के स्कूल में शायद ऐसे ही कट कराते हैं, क्योंकि वो एक दिन मुझे बता रही थी कि मामा स्कूल में तो ऐसे ही कट कराते हैं इतना सारा। तो अभी उसके कट देखना अब कैसे कटिंग करती है अमायरा। ये 1, 2, 3 इधर 4 एक्चुअली जैसे हम पीसेस बनाते ना वो ऐसे ही बना रही थी। यहाँ स्कूल से अमायरा मुझे केक खिला रही है, बट उसने बिगड़ा दिया था तो इसलिए उसने अब मेरे को छूट दिया है। और यहाँ इन लोगों ने कैमरा कर दिया है मेरी तरफ ताकि दिखता रहे कि मैं कितना खा रही हूँ, इसलिए मैंने ये टैग भी लिखा है इसमें खाते समय कोई टूटे का नहीं। मुझे केक बहुत पसंद है, वो भी मतलब फ्रेश होना चाहिए, बाकी जो बासी रहते हैं वो मुझे अच्छे नहीं लगते हैं। और यहाँ हम निकल गए थे बर्गर किंग से बाहर, और यहाँ का व्यू देखो इतना अच्छा है गाइस, मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना। मैंने कभी मतलब दिन में मैं कई बार आई हूँ मेट्रो, बहुत बार आते हैं, अक्सर आते रहते हैं हम लोग यहाँ पे क्योंकि हमारे घर के नियर है। लेकिन मैं फर्स्ट टाइम यहाँ की ब्लॉगिंग कर रही हूँ, यहाँ ब्लॉग शूट कर रही हूँ, तो मुझे अच्छा लग रहा है कि बहुत अच्छी, एक तो कैमरा क्लियरिटी भी बहुत अच्छी आ रही है, और इसीलिए यहाँ का व्यू इतना अच्छा लग रहा है। और यहाँ हमारे डैडी और मैं और अमायरा जा रहे हैं। अब आगे देखते हैं अमायरा वो नेक्स्ट राइड कौन सी लेनी है, क्योंकि उसने बोला था वो हॉर्स वाला उसको राइड लेनी है, बट हॉर्स वाली तो नहीं। अब देखते हैं वो कौन सी राइड लेती है। और यहाँ पीछे है हमारे आईफिल टावर, ये डली वाला है जो एडवेंचर आइलैंड के अंदर बना हुआ है। और यहाँ ये है नजीर, यहाँ हमने खाना खाया था बट ठीक ठीक था, इतना अच्छा नहीं था। अब अमायरा अपनी राइड ले रही है, अमायरा ने गाड़ी चूज़ की है, वैसे अक्सर वो बाइक चूज़ करती है बट आज उसको कार चाहिए थी तो उसने कार लिया। तो मैं दिखा रही हूँ, देखो वहाँ पे एक टैडी है, वो टैडी से मिलवाऊँ अमायरा को, उसको अच्छा लगेगा। ये डायनासोर पार्क है यहाँ पे अंदर, छोटा सा ही बनाया हुआ है लेकिन अच्छा है। मैंने एक पहले ब्लॉग डाला था अमायरा का यहाँ का। और यहाँ पे ये रनवे वाला है टैडी, जो रनवे से आता है, बार बार बच्चों को अट्रैक्ट करता है, बच्चों के साथ मस्ती करता है। यहाँ अमायरा की राइड हो गई थी ख़त्म इतनी देर चलाने के बाद। अब अमायरा कह रही मुझे आइसक्रीम चाहिए, लेकिन हम उसको आइसक्रीम नहीं दिलाएंगे क्योंकि उसको कोल्ड हो गया था लास्ट आइसक्रीम जब उसको आई थी। और यहाँ हम आ गए हैं अमायरा और मैं टैडी से मिलने। जाओ ना मिल के आओ, देखो बच्चे ले रहे हो बच्चे। गुनू मिलो, गुनू हाय करो। क्या हुआ, डर लग गया? उसके हाथ नहीं पहुंच पा रहे होंगे ना वहां तक। यहाँ मायरा कर रही है टेडी से बात, और ये है रनवे का टेडी, रनवे का ये है, रनवे जाने के लिए रास्ता है यहाँ से। हमने रनवे में खाना खाया था बट इतना टेस्टी नहीं लगा हमें। और यहाँ अमायरा की नेक्स्ट राइड स्टार्ट हो गई है, जो है ट्रेन की, जो उसने स्टार्टिंग में यहाँ पे एंट्री करने से पहले मुझे बोला था मामा मुझे ट्रेन में राइड लेनी है, तो हमने मना किया था। तो यहाँ फाइनली अंदर हमने उसको ट्रेन में राइड दे दी है, मुझे लगा इसको चक्कर आएंगे बट ये तो बहुत इंजॉय कर रही है। बट चलो ठीक है यार, मैं राइड्स नहीं लेती हूँ क्योंकि मुझे तो चक्कर आने लग जाते हैं और मुझे अच्छा भी नहीं लगता है, मन मेरा ख़राब हो जाता है, बट अमायरा के लिए अच्छा है। फिर हम पहुंच गए डेकथलॉन, डेकथलॉन में अमायरा ने साइकिलिंग की क्योंकि उसको साइकिल लेनी है, बट हम सोचते हैं कि उसको पहले चलानी आ जाए, जब वो अच्छे से चलाना सीख जाएगी तो हम उसको लेके देंगे साइकिल। बट अभी क्या है वो पुश नहीं कर पाती है पैडल को, और अभी उससे चलानी नहीं आती है, इसलिए हम लोग नहीं इस चीज़ पर मतलब फोकस कर रहे कि हम उसको साइकिल अभी लेके दें। हम सोच रहे हैं कि थोड़ी सी और बड़ी हो जाए तो देन उसको नेक्स्ट ईयर या उससे नेक्स्ट ईयर हम उसके लिए साइकिल लेकर आएंगे, क्योंकि अभी कोई ला के फ़ायदा नहीं है, अभी वो इतना चलाएगी भी नहीं, अब
अभी छोटी है, फिर किसी ना किसी को उसके साथ जाना पड़ेगा, तो इसीलिए अभी हम उसको साइकिल नहीं दे रहे हैं। लेकिन अभी वो थोड़ा थोड़ा यहाँ पे चला रही है अभी, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि राइट टर्न कैसे करना है, लेफ्ट टर्न कैसे करना है। तो यहाँ मैं उसकी वीडियो शूट कर रही हूँ और उसको मोटिवेट कर रही हूँ कि आप अगर इसको राइट इसको चलाते हो साइकिल को, तो हम आपके लिए लेके चलेंगे। तो यहाँ मायरा कोशिश कर रही है और मैं कर रही हूँ वीडियो शूट। मेरे पीछे है मायरा और ये है साइकिल सेक्शन सारा। हमारे को स्कूटर भी बहुत पसंद है, हमारे स्कूटर भी बहुत चलाती है। यहाँ पे जब साइकिलिंग और स्कूटर को चलाते हैं तो यहाँ हमारा मेरे पीछे साइकिल चला रही है और अब उसने ले लिया है स्कूटर। अब वो मेरे साथ करेगी मस्ती, मुझे बोल रही है मम्मा मैं दूध लेने जा रही हूँ, आप चाय बनाना। वो मेरे साथ प्ले कर रही थी, बैठी हुई पास। क्या 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 कर रहा है? चलो चलाओ ना, हमने कर लिया है डेकाथलॉन से एग्जिट। अब हम चलते हैं नीचे की तरफ। ये कुछ ऐड चल रहा था स्कूल का, तो मैंने जूम करके देखा, बट मुझे इतना विजिबल नहीं हुआ कि कौन से स्कूल का ऐड चल रहा था, बट इट्स ओके। और अब हम चलते हैं नीचे क्योंकि अब हमें जाना है घर के लिए, तो इसलिए हम नीचे उतर रहे हैं। गुम्मे के पापा और हमारा नीचे पहले उतर चुके थे, अब आ गई हूँ मैं भी नीचे। अब हम चलते हैं, पहले एक हमें राउंड लेना था ऊपर क्योंकि वहाँ से पूरा एरिया इतना अच्छा लगता है, तो इसलिए पहले हम एक बार थे ऊपर क्योंकि हमारे पापा ने बोला था कि एक बार मेरे साथ ऊपर चलो। तो हम यहाँ ऊपर आ गए हैं और यहाँ से व्यू लगेगा बहुत अच्छा। यहाँ पे काफ़ी सारे रेस्टोरेंट, लेकिन आजकल यहाँ पे सब खाली रहता है, इतनी ज़्यादा क्राउड होता नहीं है। तो अगर आप जाना चाहते हो और बहुत ज़्यादा क्राउड वाला एरिया नहीं जाना है तो ये बेस्ट है क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा क्राउड नहीं होता है अब। और लेकिन अच्छा लगता है, अगर आप शाम को भी जाके बैठ जाओगे तो भी आपको अच्छा लगेगा। हम अक्सर जाते रहते हैं, एक दो घंटे के लिए हम लोग चले जाते हैं इवनिंग के टाइम पे, जाके बैठ जाते हैं, बोटिंग करते हैं। बट बोटिंग करने में क्या था, कैमरा भी अलाउड नहीं था, बैग भी अलाउड नहीं था। तो हमने सोचा अगर कैमरा अलाउड नहीं है, बैग अलाउड नहीं है, तो हम बोटिंग करेंगे तो ये सामान कहाँ रखेंगे, तो इसलिए हम लोग गए नहीं। पर मेरा मन बहुत था, मैंने बोटिंग की नहीं है कभी भी, पर ठीक है, नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे, गाड़ी में सामान रख के आएंगे। जोर से गाओ, सुना रहे हैं गाना। किसी को प्यार हो जाए, जाने कहाँ कब किसी को किसी से प्यार हो जाए। तो गाइज इंजॉय भी हो गया, मस्ती भी हो गई है, अब हम जा रहे हैं नीचे। यहाँ मैं पहले उतर चुकी थी, मैंने सोचा कि अब मैं आप दोनों की वीडियो शूट करूँगी ऊपर से उतरते हुए। तो मैंने ट्राई किया कि इसको स्लोमो में बनाती हूँ, बट वो इतना अच्छा बना नहीं, कुछ खास स्लोमो में इससे हो नहीं पाया क्योंकि मैं अभी अभी एडिटिंग सीख रही हूँ, इतनी अच्छी एडिटिंग मैं नहीं कर पाती हूँ, बट आई ट्राई हार्ड। तो अब हम चल रहे हैं बाहर और घर के लिए निकलते हैं, गाड़ी देते हैं और निकलते हैं घर के लिए। यहाँ हमने एग्जिट कर लिया एडवेंचर आइलैंड से, बाय बाय करते हैं एडवेंचर आइलैंड को और फिर चलते हैं गाड़ी की तरफ। ये लास्ट वीडियो जो मैंने शूट की थी वहाँ से निकलते हुए, सोचा था यहीं पे बाय बाय कर देती हूँ, फिर मैंने सोचा कि नहीं यार अभी तो रास्ता बाकी है और घर जाएंगे जब घर जाएंगे प्रॉपर गुड बाय करेंगे। फिर हम रोहिणी सेक्टर 7 पहुँच गए बंसीवाला, वहाँ से खाई हमारा ने और उसके पापा ने जलेबी, क्योंकि यहाँ की जलेबी बहुत टेस्टी है, देती हूँ बनाकर, बहुत टेस्टी जलेबी है। अगर आपको खानी हो, आप नियर बाय रहते हो तो आप लोग यहाँ खा सकते हो।
फिर हमने गाड़ी ली और हम चल पड़े घर की तरफ। अमायरा सो चुकी थी क्योंकि वो बहुत थक गई है, उसने खा लिया पी लिया, मस्ती कर ली, बहुत मस्ती की है और वो थक गई है। थकने के बाद वो अक्सर ऐसा होता है जब रात को हम वापस घर लौटते हैं घूम फिर के, तो वो अक्सर सो जाती है। और यहाँ ये पार्किंग लाइट जला के हमारे आगे वाले भाई सब गाड़ी चला रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, ड्राइवर ऐसा करते हैं अक्सर। बट अब हम घर पहुँचने वाले, ज़्यादा देर नहीं लगेगी, अब अच्छे घर पहुँचते हैं, रेस्ट करते हैं। यहाँ हम आ गए हैं अपनी गली में, हमारे घर की गली आ गई है, मतलब घर की तो नहीं है, घर के पास की गली है। और हम बस पहुँचने ही वाले हैं, ये लास्ट हमारा वीडियो था, उसके बाद मिलेंगे हम आपसे डायरेक्ट घर में। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं घर, हमारे को घुमा के भी आ गए हैं और मार्केट भी हुआ है, तो फाइनली हम घर पहुंच चुके हैं। जस्ट अभी आके मैंने कपड़े चेंज किए हैं और अब मैं मिलती हूँ आपसे कल नए ब्लॉग में नए कॉन्सेप्ट के साथ। जब तक जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स करो, बेल आइकन।